और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में चिकन की कीमतों को पर लग गए। हुकूमती निर्खनामे के मुताबिक चिकन की कीमत 300 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में चिकन 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। अपडेट करेंगे सवाल से इब्राहिम खान, इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में चिकन के रेट के हवाले से बात करें तो हुकूमती रेट जहाँ पर 300 है, वहीं मार्केट में रेट जो है मुख्तलिफ है, कहीं 310 में फरोख्त हो रहा है और इसके साथ साथ 310-320 और मैक्सिमम जो है रेट वो गली मोहल्लों में भी 400 तक जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ मार्केट से उनमें 350 रुपए तक जो है चिकन जो है वो फरोख्त हो रहा है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है। सर आप बताएं, चिकन का रेट जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपए भी फरोख्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कहीं 200-320 है, कहीं जो है ना 350 है, तो इस तरह मुख्तलिफ जो है ना गलियों में, बाजार में कुछ और रेट है, मुख्तलिफ गलियों में जाएं उधर कुछ और रेट है। बस क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत है, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। जिस तरह चिकन का रेट बढ़ता है उसी तरह खाने पीने के रेट भी जो है बाहर मार्केट में बढ़ जाते हैं होटलों पर, तो वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जहरी सी बात है, जब ये रेट दुकानदार बढ़ा देंगे तो होटल वाले भी तो बढ़ा देते हैं रेट। जैसे कि ये अब आटा हो गया, सब्जी हो गई, हर चीज़ का रेट मुख्तलिफ ही है। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि चिकन की कीमतें जो हैं वो हर जगह से मुख्तलिफ हैं, मैक्सिमम 350-400 तक भी जो है शहर के अंदर। इजाफे का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया।